पिछले 2-2.5 वर्षों से अधिक समय गुजर गया। एलन के चालक चतुर गौ माता के हत्यारे नवीन महेश्वरी ने आपके समक्ष कसम खाकर कहा था कि मेरे से गौ माता मर गई और मेरी जान बचा गई, इसलिए मैं ये प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि गुरुवार की मैं 250 गौ माताओं की गौशाला बनाऊंगा, जिसमें शहर की आवारा गौ माता हैं जिनके मालिक दूध लगाकर उन्हें छोड़ देते हैं। देसी लावारिस माताओं को भी मैं इस गौशाला में रखूंगा, सेवा करूंगा। यही बात उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को गोबर के गणेश जी देते हुए कहा कि मेरे से मेरे ससुराल जाते समय एक गौ माता को मेरे ड्राइवर ने टक्कर मारी, जो 20 फुट ऊपर उछलकर मेरी जान बचाकर खुद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए मैं एक विशाल गौशाला बनवाऊंगा और आपके हाथ से उद्घाटन करवाऊंगा। यही बात उन्होंने बिजोलिया में चतुर्मास कर रहे मुनिश्री सुधा सागर महाराज को भी गोबर के गणेश जी भेंट कर गौशाला खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, किंतु चालक चतुर नवीन महेश्वरी ने फुटपाथ पति से अरबपति बनाने वाले 108 महामंडलेश्वर घन श्यामराज महाराज को भी झूठी कसम झूठा सपना दिखाकर अभी तक गौशाला नहीं बनवाई, नहीं खोली है। इसलिए अब इस मधनता परिवार से गुरुजी ने दूरी बनाकर शुरू कर दी है। पिछले दिनों वह कोटा यात्रा पर आए तो वह एलन धाम के आश्रम में नहीं रुके, बिरला परिवार में रुके। वह उन्होंने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर एलन परिवार अब संकट में, बादल उनके ऊपर मंडराने लगे हैं। अच्छी फैकल्टी के टीचर एलन को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फिजिक्स वाले वाइब्रेंट जैसे कुछ संस्थानों में एलन के 2 दर्जन से अधिक फैकल्टी के लेक्चरर्स चले जाने से अब एलन के 4 संस्थानों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। वहीं एलन के 2 निर्देशक राजेश महेश्वरी के कारण लाखों रुपए के पैकेज में जो लेक्चर रखे थे उनका शोषण करने के कारण छोड़ रहे हैं। ये सब गौ माता की अवधा लग रही है, इसलिए अब एलन का समय स्तर गिर रहा है। छात्रों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है।